हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, वो था हमारे पास सेट्स, सबसेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंटीजर्स एंड रेशनल्स क्या होते हैं, इंटीजर सेट्स क्या होता है और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये कई बार यूज किए जाते हैं। तो इंटीजर्स एंड रेशनल्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। द नंबर 0, 1, 2, 3 एलोंग विद द नेगेटिव फॉर्म आर सेट जेड, आर जो जो सेट है वो इंटीजर कहलाते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 0, 1, 2, 3 कि पॉजिटिव टर्म में भी चलते हैं और नेगेटिव टर्म में भी चलते हैं। तो इसको कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं और हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड बराबर डॉट 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 -3 -2 -1 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि जेड की वैल्यू पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो इस तरह के जो एलिमेंट है, इनके एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। अब हमारे पास आता है कि रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं। बेसिकली रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे सारे एलिमेंट या ऐसे सारे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू फॉर्म की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जेड जो है वो सबसेट है पी ऑफ क्यू का नहीं है या नहीं। तो ये यस, ऑब्वियसली यस, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पी वाई क्यू की फॉर्म लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -34/15 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, और जहाँ पे पी और क्यू जो है वो बिलोंग्स टू जेड करने चाहिए, कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली -34 एक जेड से बिलोंग कर रहा है, 15 भी जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में पी वाई क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है। बट ऐसे कौन से नंबर है जो रेशनल है, वो है हमारे पास जैसे √2। रूट टू को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई को अगर हम लिखना चाहें तो पाई को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 3.141 और फिर डॉट 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 चलती हुई जाती है। एक टर्म, एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अगर हम किसी पॉइंट को, अगर कोई नंबर हमारे पास तरह से दिया हुआ 2.35, तो इस कंडीशन में इसको हम रेशनल पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 235/100। तो ये भी जेड से बिलोंग कर रहा है, ये भी जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास रेशनल नंबर है। अब आता है फ्रेंड्स हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो बेसिकली अगर लेट सपोज कि ए जो है वो हमारे पास इस तरह से एलिमेंट है a1 a2 डॉट डॉट ए एन, एंड बी जो है वो इस तरह से है b1 b2 डॉट डॉट bn। तो उस कंडीशन में इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b किस तरह से डिनोट किया जाता है, a क्रॉस b डिनोट किया जाता है ab, वेयर या जहां पे हम ये लिख सकते हैं ए जो है वो बिलोंग्स टू ए करेगा एंड बी जो है बिलोंग्स टू बी करेगा, यानी ऐसे ऐसा सेट जिसमें ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए कर रहा होगा और बी बिलोंग्स टू बी कर रहा होगा। तो इस तरह से ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ इसके इंपॉर्टेंट या ऑर्डर पेयर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ए बी बराबर सी डी, जैसे यहाँ पे ए बी बराबर सी डी लिया हुआ है, ये कब होता है, ये इफ एंड ओनली ऑफ ए बराबर सी हो एंड बी बराबर डी हो।
और सेकंड हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये याद रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो इसको भी हम यहीं से समझ सकते हैं कि सपोज एक को एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 2, और बी को ले लिया हमने 2 3, तो उस कंडीशन में हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आएगा, अगर देखें तो यह हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 2 1 3, 2 2 एंड 2 3, तो ये सारे एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे। बट जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे, तो बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो बी क्रॉस ए देखें तो 2 1, 2 2, 3 1 3 1 एंड 3 2, तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारे पास ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो है वो इक्वल नहीं है, यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।